तो चलते हैं अंदर, आइए। तो जी हम पहुंच चुके हैं विनीज रिजॉर्ट कसौली में एंड चेक इन फॉर्मेलिटीज आर गोइंग ऑन। सो जी वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर रूम। भैया हमें ले जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। इट्स अ प्रीमियम रूम विद जकूजी एंड आई गेस इट्स द बेस्ट रूम व्हिच आई हैव कंफर्म्ड फ्रॉम रिसेप्शन एंड वी हैव रीच्ड। तो जी इलेक्ट्रिक व्हीकल से उतरने के बाद भी हमें काफ़ी चलना पड़ रहा है, तो इससे आप रिजॉर्ट की ग्रैंडनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए कराते हैं आपको रूम टूर, कम ऑन। तो चलिए चलते हैं रूम में। तो रूम में सबसे पहले है यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मिरर और एक पूरी ही वुडन फीलिंग दे रहा है रूम, बिकॉज सब कुछ ही वुडन है, सीलिंग से लेके फ्लोरिंग से लेके वॉल्स तक एवरीथिंग इज वुडन। यहाँ पे वॉशरूम है वो हम बाद में देखेंगे एंड इट इज डिफरेंट बिकॉज इट हैज अ जकूजी। This is the almirah which they have put in. It is quite spacious. It has hangers. यहाँ पे hangers हैं और काफी ज़्यादा सामान रखने का आपको space है। तो अगर आप कहीं दूर से भी travel करके आ रहे हैं तो they are giving you enough space जिसमें आप अपना luggage रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, यहाँ पे इन्होंने दिया हमें sitting space। यहाँ पे आप अपने office का pending काम, कुछ writing, कुछ reading आराम से यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। और ये जो स्लैब है ये मार्बल का है और ये जो चेयर है और स्लैब है इसका जो जो इनका हाइट है वो बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ही कोजी सी फीलिंग दे रहा है। ये है हमारा काफ़ी ही बड़े साइज का एलईडी है जो कि हमें यूजुअली कुछ होटल रूम्स में कम मिलता है, तो इसका जो साइज ऑफ दिस एलईडी है दैट इज क्वाइट गुड। देन दे आर गिविंग अगेन एक स्लैब है यहाँ पर जिसपे फिलहाल के लिए मैंने अभी अपना पर्स रखा हुआ है। और यहाँ पर ये हमें दे रहे हैं दो ड्रॉर्स जिसमें हम कोई सामान अपना रख सकते हैं एंड देन हियर इट्स अ मिनी फ्रिज। तो देखते हैं, वैसे हमारे हमने कुछ भी इसमें ऑर्डर नहीं किया बिकॉज दैट इज ऑन चार्जेबल बेस, तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि ये खाली होना चाहिए। लिप्सी ठीक है खाली है, बट हम अगर कुछ ऑर्डर करते हैं एंड वी वॉन्ट कि हमने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया है, कोई ड्रिंक ऑर्डर किया जो कि हम चिल ही चाहते हैं और किसी भी टाइम पे रूम में रिलिश करना चाहते हैं, तो वी कैन गिव इट इन मिनी फ्रिज। और रूम का जो एम्बियंस है ना ये इतना ब्यूटीफुल है, होपफुली हम लोग वीडियो में कैप्चर कर पा रहे होंगे, लेकिन द लुक एंड फील, द फ्लोरिंग, द वुडन फील इज जस्ट अमेजिंग। रूम इज वेरी वेरी स्पेशियस। यहाँ पे वही है जो यूजुअली हर जगह होता है, केटल है, दो वाटर बॉटल्स है और चाय कॉफी बनाने का सामान है और जग है, दो ग्लासेस हैं, दो कप्स हैं, टू स्पून्स हैं। और यहाँ पे ये हमें दिए गए हैं फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स जो कि बहुत अच्छे से पैक्ड है। ये हमें ऑरेंजेस, बनानास एंड कुछ कुकीज भी है। और अगेन ये टेबल भी बहुत शानदार है, दो और बड़ी बड़ी इन्होंने कुर्सियां लगाई हैं जिसपे इन्होंने न्यूज़पेपर प्रिंट कवर लगाया है और वाओ ये काफी कंफर्टेबल है। एंड इनका जो देखिए आप कर्टन्स भी जो इन्होंने लगाए दैट इज ऑल्सो ब्राउनिश, तो अल्टीमेटली अगर आपको रिलैक्स होने के लिए, रेस्ट करने के लिए चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द बेस्ट रूम। लेकिन अगर आपको अपने किसी बिजनेस ट्रिप के लिए चाहिए सो आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग इशू है बिकॉज दिस इज डार्क एंड कोजी। तो सुना है हमने कि इन्होंने बालकनी दी है और वो भी बहुत ही अच्छी है, काफी उसमें भी स्पेस है, तो देखते हैं। चलिए जी आते हैं हम यहाँ। ओ वाओ इट्स अ क्वाइट बिग बालकनी जिसमें हमें एक टेबल भी दिया है और दो फिर से प्यारी प्यारी कुर्सियां दी गई हैं
और एक बार एक बाहर का जो व्यू है जो यहाँ पर बैठे हमें मिलने वाला है, यूजुअली हमें बालकनीज मिल जाती है बट जो बाहर का व्यू होता है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से जो बालकनी व्यू है इसमें एक कमी भी कोई है, क्योंकि जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी हिल स्टेशन में जाके कि नज़ारा कैसा होना चाहिए, ये नज़ारा बिल्कुल ही वैसा है। अमेजिंग, यहाँ पे हम सुबह या शाम की कॉफी को बहुत ही आराम से पीसफुल इवनिंग या पीसफुल मॉर्निंग की तरह एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो दिस इज आवर वॉशरूम विद जकूजी। तो जी रूम टूर आपको सौरभी ने करा दिया है, अभी बड़ी सारी चीजें हैं इस रिजॉर्ट में देखने वाली, तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग अस।